अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू खदीजा स्टेप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ छोटे बड़ों की सबकी पसंदीदा डिश, ये हैं आलू के चिप्स। जी हाँ, फिंगर चिप्स। आज मैं आपको बताऊँगी कि हम मैकडोनल्ड के स्टाइल के चिप्स कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं और इनको कुछ पाकिस्तानी लुक भी देंगे। इसका मतलब है हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इनके साथ ऐसे क्या चीज़ें शामिल करें कि ये फिंगर चिप्स बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बन सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आलूओं को छील के धो के काट लिया है। ये देखें, एक जैसे साइज में मैंने काटा है। मैंने कटर मशीन से काटा है, आप चाहे तो हाथ से भी इसकी कटिंग कर सकती हैं। जैसा है आप चाहें वैसे कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हम इसमें क्या क्या शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें इसको ऐड करेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आप उसमें ना तो नमक शामिल करेंगी और ना ही मिर्च शामिल करेंगी। अगर आप इस वक्त उसमें मिर्च और नमक शामिल कर लेंगी तो आलू में से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा, जिसकी वजह से मैदा या कॉर्नफ्लोर उसके साथ नहीं चिपक सकेगा और ये वैसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हम जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तब उसमें हम चाट मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने थोड़े से आलू डाल दिए हैं, अपने चिप्स डाल दिए हैं इसमें। इसमें मैंने नमक शामिल नहीं करना है, चाट मसाला शामिल नहीं करना है। इस टाइम पे हम सिर्फ कॉर्नफ्लोर और इसमें मैदा शामिल करेंगे हसबे ज़रूरत। कॉर्नफ्लोर की मैं इतनी सी मकदार डालूंगी, 1 टीस्पून के बराबर। आप चाहे तो थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकती हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैदा। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत मज़े के बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ऑयल हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। ये हमारे आलू अच्छे से कोट हो गए हैं, ये देखें। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम चिप्स को कुछ देर के लिए तल लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब तक ये तैयार होते हैं मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। जब ये तैयार होंगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी लुक कैसे होती है। हमारे चिप्स तकरीबन बन चुके हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इन्हें निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि इनकी लुक कैसी है। ये हमारे चिप्स बिल्कुल रेडी हैं। ये केचप है और वो दही की चटनी है पुदीने की चटनी के साथ। इस टाइम पे हम आके चिप्स के ऊपर चाट मसाला शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और ये हमारे चिप्स बिल्कुल रेडी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे खासे क्रिस्पी हैं और बहुत मज़े के हैं। अभी तो गर्म है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।